पाकिस्तान कुचला गया, पाकिस्तान को इंग्लैंड ने कुचल दिया है, आप एक इनिंग्स और 50 रन से ज्यादा से हार चुके हैं। इट इज अनदर एम्बैरसिंग डिफीट फॉर पाकिस्तान, एक और जलालत भरी हार, एक और फिटकार इनकी शक्लों के ऊपर, इन लांती प्लेयरों की जिंदगी में एक और बदनुमा दाग, एक धब्बा, काला धब्बा जिसका नाम है बाबर आजम। और एक इनिंग्स और 47 रन से इंग्लैंड ने यह टेस्ट मैच जीत लिया है। आप अगर देखेंगे जैक लीच ने यहां पर 4 विकेट्स ले ली है, जैक लीच 4 विकेट ले रहा है उनका स्पिनर, ठीक है। यहां से अबरार अहमद 175 प्लस खा के अस्पताल में मजे कर रहा है, बैठा हुआ वहां पे कि जी मुझे बुखार हो गया। अबे बुखार हो गया था तो टेस्ट मैच खेल क्यों रहा है जब तेरी फिटनेस ही नहीं है, मार पड़ गई तो बुखार हो गया। बाबर आजम जी, इतना ढीठ प्लेयर जिंदगी में मैंने नहीं देखा, काली पहाड़ी का वो नेवला जो पूरी टीम को निगल चुका है। अगर यहां पर आमिर जमाल में इतनी हिम्मत थी कि बाउंसर भी अपने चेस्ट में भी खा रहा है, रिब केज में खा रहा है, हेलमेट पे बाउंसर खा रहा है, उसके बाद भी नॉट आउट गया। आप देखिए आमिर जमाल जो कि बॉलर है एसेंशियली, नॉट आउट गया 55 पे, बाकी आउट हो गए, वो आउट नहीं हुआ, हिम्मत से खेलता रहा। और बाबर आजम ने क्या किया, आया पहली 9 बॉले ऑफ द मार्क भी नहीं हुआ, 8 बॉलों में 0 रन थे, 9वीं बॉल पे आया उसका सिंगल और उसके बाद 5 रन बना के आउट हो गया। तो बाबर आजम की शलवार के नाड़े तो वैसे निकल जाते हैं, जैसे ही पाकिस्तान को प्रेशर पड़ता है उसकी शलवार के नाड़े निकल जाते हैं, वो अपना पजामा पकड़ के भाग जाता है, वो सबसे पहले भाग जाता है। वो बाबर आजम इस टाइम पे ड्रॉप होना चाहिए, कोई इसमें दो राय ही नहीं है। ये टेस्ट मैच जितनी बुरी तरीके से पाकिस्तान हारा है, 550 रन बनाने के बावजूद इनिंग्स डिफीट हो गई है, 550 रन बना के इनिंग्स डिफीट हो गई। कोई भाई साहब थे कल पाकिस्तानी जर्नलिस्ट हैं वहां के काफी रिप्यूटेड, उनको क्योंकि बर्दाश्त नहीं हो रही थी वो लिखना शुरू कर दिया, भाई इंडिया ने 500 बना के 900 खाए थे श्रीलंका से, जो भी है वो टेस्ट मैच ड्रॉ हुआ था और यहां पर आप इनिंग्स डिफीट से हार रहे हो, समझ रहे हो आप, एंड इतने बुरे हाल। और इंडिया से कंपैरिजन करना कर दो बंद, आपकी विनिंग परसेंटेज पता है क्या पाकिस्तान के अंदर, 0। अभी दिखाया था, फिर से दिखा देते हैं आपको, टेस्ट एट होम इंडिया की सेकेंड हाईएस्ट परसेंटेज है टेस्ट जीतने की एट होम, नंबर 1 पे साउथ अफ्रीका है लेकिन उन्होंने टेस्ट कम खेले हैं। और एक जो टेस्ट मैच हारी है ना साउथ अफ्रीका, वो इंडिया ने हराया है, इंडिया साउथ अफ्रीका भी जाके हारा नहीं था, टेस्ट सीरीज ड्रॉ करा के आए थे हम लोग। एंड विनिंग परसेंटेज जो हमारी है वो पूरी दुनिया में किसी की नहीं है घर पर, और पाकिस्तान की वेस्ट इंडीज से भी कम है, बांग्लादेश से भी कम है, श्रीलंका से भी कम है, पूरी दुनिया में सबसे कम है। कम क्या है ही नहीं, कम क्या, जीता ही नहीं है, 0% है। पिछले 3 साल में पाकिस्तान टेस्ट मैच घर पे जीता ही नहीं है, बल्कि इनके तो ड्रॉ कराने के वादे हैं भाई साहब। ये अभी 10 जो बॉटम पे देख रहे हो आप पाकिस्तान की अचीवमेंट के, टेस्ट परसेंटेज विनिंग परसेंटेज एट होम, 10 टेस्ट मैच खेले हैं, 6 हारे हैं, 4 ड्रॉ हुआ है, आज ये बदल के 11 टेस्ट मैच हो गया, 7 हारे हैं और 4 ड्रॉ हुए हैं और 0% मैचेस जीते हैं। भाई बांग्लादेश जीत गया 3 मैच, वेस्ट इंडीज ने जीत लिया 3 मैच, न्यूजीलैंड 7 मैच जीता हुआ है, श्रीलंका 7 मैच जीता हुआ है, इंग्लैंड 14 मैच जीता हुआ है, ऑस्ट्रेलिया 9 मैच, इंडिया 13 में से 10 मैच जीता हुआ है घर पे, 2 हारा 1 ड्रॉ है, ये 2022 से बता रहा हूं। साउथ अफ्रीका 8 में से 7 मैच जीता, 1 जो हारा इंडिया ने हराया, लेकिन पाकिस्तान पनौती है पाकिस्तान, 0% ऑफ विन, 0, शर्म आनी चाहिए। वापस आ जाइए फुल स्क्रीन पे। तो भाई इंग्लैंड ने यहां पे क्लिनिकल परफॉर्मेंस दे दी है और पाकिस्तान की धज्जियां उड़ा के रख दी है। अभी 2 टेस्ट मैच बाकी है, मतलब 2 पिटाइयां पाकिस्तान की बाकी है, 2 पिटाइयां बाकी है, अभी 2 पिटाइयां बाकी है। यहां तो चपेड़े घुसे लाते एल्बो दिया है, यहां पे आपको ब्रुक ने भी मारा, रूट ने भी मारा, बॉलिंग में जैक लीच 4 ले गया, एटकिंसन विकेट ले रहा है, लीच विकेट ले रहा है, कार्स विकेट ले रहा है, वोक्स विकेट ले रहा है, किसने विकेट नहीं ली, और तुम्हारी बारी में एक बंदा विकेट नहीं ले पा रहा। तुम्हारे बॉलर घटिया, बैटर जलील, बॉलर घटिया, बैटर जलील, बाबर और जलील फील भी नहीं होता भाई उनको, कुछ नहीं होता, हो उनको बेइज्जती भी फील नहीं होती, इतने ढीठ लोग हैं। एक किसी ने सवाल किया था ना कि आरसीबी पहले आईपीएल जीतेगी या पाकिस्तान अपने घर पर टेस्ट मैच जीतेगी, आरसीबी जीतेगी पहले आईपीएल, पाकिस्तान जन्मों जन्मों में टेस्ट मैच नहीं जीत सकती। जो टीम 550 बनवा के 850 पड़ो वो तो 1000 रन मार देते, मार देते, बख्श दिया उन्होंने तुम्हें। जो लोग एक ऐसा टेस्ट मैच जहां पे पहली 2 इनिंग में ऑलमोस्ट 1500 रन बन गए है ना,
उसकी सेकेंड इनिंग में आके एक सेशन में छह विकेट दे देते। कल तुमने छह विकेट वैसे क्यों दी, छह विकेट दे दी भाई, और आज का पहला सेशन भी नहीं खेला गया। ऑब्वियसली आमिर जमाल और सलमान अली आगा कब तक बचा लेते। सलमान आगा ने लप्पा घुमाना शुरू करा, जैक लीच को देख के घबरा गया वो। आधे तो इनके प्लेयर डर के आउट हो जाते ना कि सेकंड इनिंग आ गई, या अल्लाह क्या करें, बाबर आजम या अल्लाह मेरे तो पहले ही शलवार में से नाड़े निकाल दिए गए, अब तो बचाना भी छीन लेंगे लोग, मारेंगे बहुत, क्या करूं मैं, हाय अल्लाह मियां बचा लेना। यही डर में खौफ में पांच रन आउट, चलो अब मुक्ति मिल गई, आउट होके आ गया मैं। हाँ मुक्ति मिल गई मेरे को, बस मोक्ष आ रहा था, वहां पे तो मैं तड़प रहा था, यहां पे मुक्ति दे दी ऊपर वाले, या अल्लाह मियां शुक्रिया। ये करता है बाबर आजम और बाकी भी जितने सारे प्लेयर हैं। शान मसूद भाई तूने 150 मारा, तेरी दो बार कैच ड्रॉप हुई, तू फिर आउट हो गया। अब्दुल्ला शफीक पहली बॉल पे बोल्ड, पहली बॉल पे बोल्ड, बॉल नजर आई, बोल्ड हो गया, बेइज्जत हो गया। इंग्लैंड की भी एक विकेट गिरी थी जल्दी, ओली पोप जल्दी आउट हुआ था, अच्छी कैच हुई थी, बट उन्होंने वहां से रन मारे। इनकी जल्दी विकेट गिर गई, ये तो पूरा ड्रेसिंग रूम में नाश ही हो गया कि भाईजान अब क्या होगा, कौन बचाएगा हमें, कौन बचाएगा, या अल्लाह लोग एक दूसरे के मुंह पे चपेड़े मार रहे हैं, रिलैक्स काम डाउन, फिर भी आउट हो रहे हैं। आई थिंक पैथेटिक परफॉर्मेंस बाय पाकिस्तान एंड ऑल द बैटर्स शुड बी अशेम्ड ऑफ देमसेल्व्स। एक जो मैंने तस्वीर भेजी थी ना, फिर से दिखाइएगा, जो क्योंकि अब क्या है ना, क्योंकि बाबर को जलील करने में इतना मजा आता है इनके एक्स क्रिकेटर्स को कि रिजवान को भूल गए भाई। 317 मारे हैं ब्रुक ने, 262 मारे हैं रूट ने, 30 और 5 बाबर आजम जो मुस्कुराते हुए नजर आ रहा वो है, लेकिन सबसे नीचे देख रहे हो आप, सबसे घटिया परफॉर्मेंस, डक और 10 रिजू 10 बस है मौलाना मोहम्मद रिजवान। समटाइम्स इट्स एक्टिंग, समटाइम्स इट्स ओवर एक्टिंग, एंड समटाइम्स इट्स सुपर फ्लॉप। मोमेंटम मोमेंटम मिला 0 और 10 जिस पिच के ऊपर आमिर जमाल, नाउ जस्ट लुक एट दिस, आमिर जमाल हु इज अ बोलर, 24-25 ओवर करा के वो लड़का एक विकेट लेके जान मार के, बाय द वे बेस्ट पेसर इनका आमिर जमाल ही था इस टेस्ट मैच का, करेक्ट है, इतनी जान मारी उसने फ्लैट ट्रैक पे, 24 ओवर करा के एक सेशन उसको चैन नहीं लेने दिया तुमने, कल ही आ गया था क्रीज पे कल ही आ गया वो क्रीज पे, और वो 55 रन मार के गया पूरे टेस्ट मैच में, मिला के 55 रन नहीं है बाबर और रिजवान के, 45 रन मारे इन्होंने दोनों इनिंग मिला के, दोनों ने भाई, कोई अब आप बताओ चिल्लाते क्यों हो, कोई लॉजिक है इसमें, कोई इनको शर्म है, कोई हया है इन बेशर्मों को। बाबर आजम 30 रन 5 रन, रिजवान 0 और 10, कुल मिला के हो गया 45। वो आमिर जमाल 24 ओवर करा के पूरी धूप तपती धूप के अंदर बाउंसर भी मार रहा है, यॉर्कर भी मार रहा है, विकेट भी ले रहा है, एक सेशन उसको रेस्ट नहीं मिला, कल ही वो क्रीज पे आ गया था, 6 आउट हो गए थे आज के, वो पूरा सेशन एंड तक खेला, नॉट आउट रहा, 55 रन मारे सेकंड इनिंग्स में। तुमने पूरे टेस्ट मैच में दोनों ने, ये मेरे दो अनमोल रतन बाबर रिजवान मिलके 45 रन मारे हैं पूरे टेस्ट मैच में। अबे जहन्नम की लानत तुम्हारी शक्लों के ऊपर, कसम से यार ऐसी चीज पर गुस्सा नहीं चढ़ेगा तो क्या चढ़ेगा बताइए आप। इंग्लैंड को घर बुला के लेट गए हो कि आओ हमारी लाशों पे चढ़ो, एंजॉय करो, अतिथि देवो भव, मेहमान नवाजी तो करते हैं ना, माना कि हमारे चेले हो, हिंदुस्तान में माना जाता है अतिथि देवो भव, कि अतिथि आता है, कोई गेस्ट आता है तो उसको भगवान की तरह पूछते हैं। तुमने तो, अब मैं इसको दूसरे मेरे शब्द आ रहा दिमाग में कि अतिथि देवो भव की तरह तुमने क्या कर दिया, तुमने लेनी देनी करा दी भाई अपनी पूरी की पूरी, आप तो बिछ गए हो, लेट गए हो, लेट गए, बेंड ओवर बैकवर्ड भाई, वो तो बेंड ओवर आए हैं, वो गेस्ट है, गेस्ट के सामने तशरीफ बिल्कुल ही पेश कर दिया आपने, तो कर देते हैं, तोहफा कबूल करो के, तोहफा कबूल करो, जहां बना जहां बना तोहफा कबूल करो, तू फी ग्रेट हो, उन्होंने भी तोहफा कबूल नहीं, उन्होंने तो कब्जा ही कर लिया तोहफे को, किला बेटा तोहफा दे, सबका ही तोहफा ले लिया उन्होंने तो भाई, का ले लिया, और बाबर आजम तो चुन चुन के तोहफा दे रहा है अपना सबको कि आप भी तोहफा कबूल करो, आप भी तोहफा कबूल करो, मेरा तोहफा आपका बहुत लोगों ने जो रूट की स्टेटमेंट मिस कर दी, उन्होंने कल एक स्टेटमेंट दी थी हैरी ब्रुक को लेकर, उन्होंने बोला कि मैं शुक्र करता हूँ, पैराफ्रेज कर रहा हूँ, उन्होंने बोला कि मैं शुक्र करता हूँ कि हैरी ब्रुक इंग्लैंड में पैदा हुआ था, वरना पाकिस्तान में तो उनके स्टैट्स मजाक है, जोक है,
उन्होंने एक तरह से पाकिस्तान क्रिकेट को मजाक बोल के चले गए वो। इससे पहले यूएसए के क्रिकेटर अली खान ने ये बोला था कि नो डिसरिस्पेक्ट टू पाकिस्तान बट फिर वी आर केपेबल इनफ टू बीट देम अगेन, फिर हरा सकते हैं। शहीदी ने बोल दिया, ये सब बोले जा रहे लोग। एक दोस्त ने यहाँ पे लिखा है कि अतिथि देवो भव की जगह अतिथि लेवो भव हो गया। यहाँ पर आकर तशरीफ जो है अपनी पेशकश कर दी है, सब बेंट ओवर बैकवर्ड्स हो गए हैं और नसीदे तरह तरह से बोला है कि जा पना तोहफों कबूल करो, तोहफा कबूल करो। एवरीबॉडी सेइंग दैट, सभी तोहफे लेके खड़े हो गए लाइन से कि हम क्रिकेट नहीं खेलेंगे, तोहफे कबूल कर लो आप लोग, कुछ तो शर्म कर लो यार। वो आमिर जमाल को देख के तो शर्म कर लो यार, उसने अपनी रिबकेश की हड्डियां तोड़वा ली भाई साहब, आउट नहीं हुआ लेकिन लड़ रहा है देशन के लिए। वो भी एक वो है, एक ये लिपस्टिक वाला रिजवान है लिपस्टिक। अबे क्या मेबलिन की ऐड करेगा तू? तू लिपस्टिक लगा के मेकअप करके नसीम और ये रिजवान और बाबर, बाबर नहीं देखे डेफिनेटली मैं मनहूस हूं और इंडिया ने मैं विराट की तरह मैंने बोला था दिस टू शैल पास, लोग बोल रहे बाबर व्हेन विल यू पास, और अब मुझे लग रहा है कि दिस विल नेवर पास एंड आई हैव फेल्ड द नेशन ऑफ द इंटीग्रेशन ऑफ द नेशन ऑफ पाकिस्तान। और शोएब भागी मैं बोलना चाहता हूँ कि अपने जो घुटनों में आप इंजेक्शन मारते थे मेरी गर्दनों में मार दीजिए ताकि मुझे थोड़ा तो होश आए। मुझे होश ही नहीं है कि मैं हूँ कहाँ पे, इंग्लैंड वाले बॉलर मुझे मार रहे हैं, पाकिस्तान की पब्लिक मुझे मार रही है, मोहसिन नकवी मुझे मार रहा है, रिजवान लिपस्टिक के डब्बे से मुझे मार रहा है, मैं करूँ तो करूँ क्या, बोलूँ तो बोलूँ क्या। अबे कोई तो रन बना लेता, वो नहीं हो सकता। दो सेशन में मैच खत्म, इनिंग्स डिफीट, इनिंग्स एंड 47 रन से इंग्लैंड जीत गया जबकि पहले इनिंग में तुमने बनाए थे 550। अच्छा अब आपको एक पैटर्न हमने जो कल समझाया था, सेकेंड इनिंग में ये इतना डर जाते हैं, ये डर के ही हार जाते हैं। इनके मतलब इतना फूल जाता है इनका दिमाग। बांग्लादेश वाली दोनों इनिंग दिखाना जो कल ग्राफिक दिखाया था ना कि इन्होंने सेकेंड इनिंग में कितने रन बनाए थे, इन्होंने बांग्लादेश के अगेंस्ट सेकेंड इनिंग में पहले टेस्ट मैच में 145 के आसपास बनाए, सेकेंड इनिंग में बांग्लादेश के अगेंस्ट इन्होंने दूसरे टेस्ट मैच में 172 बनाए। और इस घटिया पिच के ऊपर इन्होंने बहुत सुपर मास्टर प्लान लेके आए थे कि जी हम बिल्कुल फ्लैट ट्रैक बनाएंगे और इसमें हम बहुत रन स्कोर करेंगे। इस घटिया सड़ी हुई पिच के ऊपर भी ये लोग ऑल आउट हो गए 220 और यहां पर भी इनिंग्स डिफीट से हार गए। तो मतलब सेकेंड इनिंग में इनकी हिम्मत ही नहीं हो रही खेलने की। वो देखो सेकेंड इनिंग में, पहली इनिंग में 448 मारा कोई प्रॉब्लम थी, डिक्लेयर करा बांग्लादेश के अगेंस्ट, सेकेंड इनिंग में 146, क्यों घबरा गए डर गए। बाबर आजम से डरपोक प्लेयर ही नहीं देखा मैंने यार, उसको तो फुल टॉस भी दे दो तो भी डिफेंड करने को देखता, कहीं LBW ना हो जाए। 172 दूसरी इनिंग में इन्होंने मारे थे दूसरे टेस्ट मैच की। तो पाकिस्तान से सेकेंड इनिंग में खेले नहीं जा रहा एंड आई थिंक I am not shocked. थोड़े बेहतर हुए, 220 पहुंच गए। History बन चुकी है। It's the first time in Test history that a team has lost by an innings after scoring 500 plus runs. हाँ तो ये 500 plus runs पहली बार ऐसा हुआ है। आ जाइए फुल स्क्रीन पे। पाकिस्तान पहला ऐसा देश बन चुका है। पाकिस्तान is the first cricketing nation जिन्होंने पहली इनिंग में 550 रन मारे और टेस्ट मैच एक इनिंग से हार गए। एक इनिंग एंड ऑलमोस्ट 50 रन, इनिंग्स एंड 47 रन्स, ये इनका स्टैंडर्ड है। पिछले 3 साल से घर में टेस्ट मैच नहीं जीते, इनकी विनिंग परसेंटेज 0 है और पूरी दुनिया में डेड लास्ट है ये। वेस्ट इंडीज ने इनसे बेहतर करा है घर पे, बांग्लादेश ने बेहतर करा है, श्रीलंका ने बेहतर करा है, इंडिया साउथ अफ्रीका ऑस्ट्रेलिया तो छोड़ ही दो आप, इंग्लैंड वगैरह न्यूजीलैंड वगैरह छोड़ ही दो आप। सो इनका टेस्ट स्टेटस रिवोक होना चाहिए, इनसे ICC को टेस्ट स्टेटस छीनना चाहिए इमीडिएटली और अफगानिस्तान को दे देना चाहिए। ये टेस्ट मैच खेलने के लायक ही नहीं है टीम, इनको टेस्ट मैच खेलना ही नहीं आता और इनको ये इज्जत देनी भी नहीं चाहिए। जो अपने घर में 550 बनाने के बाद इनिंग्स डिफीट से हारे टीम, वो टेस्ट मैच खेल क्यों रही है ये समझा दो। ये तो अनड्यू एडवांटेज है इंग्लैंड को, ये तो सारे रिकॉर्ड तोड़ देंगे यहाँ पे। हाँ। कोई बड़ी बात नहीं है, ब्रायन लारा का रिकॉर्ड तोड़ देंगे। एक मेरे को बात बताओ, मैं पिछली बार ये बात कर रहा था कि रोहित शर्मा इस मैच में खेलता, इस पिच पे खेलता 400 मार देता, हमें लगा हैरी ब्रुक 400 मार देगा। ईमानदारी की बात बताना, जिस आदमी ने ओरिजिनल 400 मारे थे, ब्रायन लारा अगर इस पिच पे खेलता क्या करता हो भाई, उसके फर्स्ट क्लास में 500 भी है ये मत भूलना। ब्रायन लारा के, अगर ब्रायन लारा इस पिच के ऊपर खेलता वो तो 1000 रन मार देता अकेला ही। वीरेंद्र सहवाग जिसने मुल्तान में पहले 300 मारा था अच्छी बॉलिंग लाइनअप के अगेंस्ट, अगर इस घटिया पिच पे खेलता इन
बदतरीन बॉलर्स के अगेंस्ट। 500 तो वीरूपा जी मार देते, 400 भी नहीं 500 मार देता वीरेंद्र सहवाग भाई, तुच्छ भी कह सकते हैं बॉलर्स। इतनी गंदी पिच और इतने गंदे बॉलर। अबे काली पहाड़ी के तांत्रिक नेवलों कुछ तो शर्म कर लो।